होता तब महाकाली और महाकाल महातांडव कर महाप्रलय कर सभी का नाश कर समस्त संसार को शून्य में परिवर्तित कर देते हैं। किंतु माता एक प्रश्न तो अभी भी शेष है। महाप्रलय का समय समीप है। का अंत हो रहा है प्रिय। स्वामी, हमें ज्ञात तो था ही कि ऐसा ही होगा। माता श्री महाकाली का ये निर्णय हमें स्वीकार है, किंतु मुझे मात्र एक ही दुख है कि कुछ अंतराल के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना हो। किंतु स्वामी,
प्रलय, सब कुछ नष्ट कर देती हूँ मैं। होता है तब महाकाली और महाकाल महातांडव कर महाप्रलय कर संपूर्ण संसार का, समस्त प्राणी जनों का, देवताओं का, ब्रह्मदेव का, नारायण का, ग्रह नक्षत्रों, तारों और सूर्य का, सभी का नाश कर समस्त संसार को शून्य में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद मैं पुनः एक नवीन संसार की रचना करती हूँ, और फिर मैं अपनी महाविद्या रूप धारण कर पुनः संसार के पालन में जुट जाती हूँ। और ये प्रक्रिया संसार के अनंत क्रम तक निरंतर चलती रहती है। माता, आपकी ही अनोखी लीला आपके ही श्रीमुख से सुनकर हम कृतार्थ हुए। आपने अपनी दसों महाविद्या स्वरूपों का वर्णन किया और मैंने आपसे अनेक प्रश्न पूछे, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माता। किंतु जो भी आपकी लीला का साक्षी बना वो धन्य हुआ माता। और अब ऋषि मारकंडे आपके स्वरूपों की महिमा विस्तार से लिखेंगे। जब माँ में परिवर्तन आने लगा तब मैं बहुत चिंतित हुआ था। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि उसके पीछे कितना बड़ा कारण निहित था। इसलिए अब मैं शांत हूँ माता। रक्ताप्तिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशां कुशेश्वा सशरासि बाणा
शूलं कपालं ददतिं कराब्जै रक्तां त्रिनेत्रां प्रणमामि देवी। किंतु माता, एक प्रश्न तो अभी भी शेष है। आपने अपने प्रथम रूप में माता मातंगी का ही स्वरूप क्यों चुना, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक पहुँचे? गणेश, मेरा कथन अभी समाप्त कहाँ हुआ है? मेरे मातंगी स्वरूप के तो अभी और भी दायित्व शेष है। तो माता, कृपा कर हमें वो दायित्व भी बताइए। हाँ माता। गणेश, प्रत्येक लीला का, प्रत्येक घटना का उचित समय होता है। तुम मेरे विभिन्न स्वरूपों और उसकी लीलाओं के बारे में जान रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित समय है। किंतु यदि मैं अभी भी सब कुछ उजागर नहीं कर रही, तो उसका भी एक कारण है। देवी मातंगी के अन्य दायित्वों के विषय में तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा गणेश, किंतु उचित समय आने पर। स्मरण रखना गणेश, मेरी लीला अभी संपन्न नहीं हुई है, वो अभी भी शेष है। माता, आपके श्री मुख से दिव्य रोचक और मनमोहक लीलाओं के वर्णन का श्रवण तो हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमें इसी प्रकार अपनी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करती रहें और हमें सदैव ये आनंद प्राप्त होता रहे। सत्य है, माँ की कथा तो अपार आनंद का स्रोत है। तो सुनो पुत्र, मैं ही अपनी महाविद्या स्वरूपों को धारण कर अपनी लीला से संसार का सृजन, पालन और संहार करती हूँ। ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा। और ये भी सत्य है कि मेरे भिन्न स्वरूपों के रहस्य और कथा जानने हेतु आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैंने ही पुत्र मार्कंडे को मार्कंडे पुराण की रचना हेतु यहाँ बुलाया है और मेरी ही इच्छा से ऋषि दुर्वासा का कैलाश पर आगमन हुआ, ताकि उनका क्रोध मेरे मातंगी रूप के प्रकट होने का कारण बने। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव? यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? माता, मैंने अपने क्रोध के अतिरेक में आपको और महादेव कितने कठोर वचन कह डाले, जिसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी। माता, मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूं। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। किंतु ऋषिवर, आपका ये कथन कि आपका क्रोध सदैव संसार की भलाई का कारण बनता है सर्वथा सत्य था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऋषि दुर्वासा, आपका कार्य अब यहाँ संपन्न हुआ। अब आप अपने आश्रम प्रस्थान कर वहाँ तप और ध्यान कीजिए। जो आज्ञा माता। ब्रह्मदेव, नारायण, देवगण, आप भी अपने लोक लौट कर वहाँ की शोभा बढ़ाइए। जय माता श्री महाकाली। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम्हारे हृदय में अभी भी प्रश्न शेष है। अपने प्रश्न पूछो पुत्र। माता, आपने समस्त देवताओं को उनके लोक भेज दिया, ऋषि दुर्वासा को भी उनके आश्रम लौटने का आदेश दिया, किंतु ऋषि मार्कंडे अभी भी यही है, और जिसका कारण मुझे ज्ञात है माता। तो कहो, क्या है तुम्हारे अनुसार उनके यहाँ होने का कारण?
माता, मार्कंडेय पुराण की रचना के लिए तो उन्हें आपकी संपूर्ण लीला ज्ञात करनी होगी ना? तो अभी आपका ये रहस्य उजागर करना तो शेष ही है कि आपने सर्वप्रथम देवी मातंगी रूप क्यों धारण किया। गणेश जी का कथन सर्वथा उचित है, मुझमें माता की लीला के इस रहस्य को लेकर जिज्ञासा अभी भी शेष है। माता, आपने अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि आपको देवी मातंगी और पिताश्री को मातंग रूप क्यों धारण करना पड़ा, और फिर देवी मातंगी से माँ कौशिकी और स्वयं आप श्री महाकाली का आविर्भाव भी तो हुआ। हाँ माता, अवश्य इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि आपकी प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई महान उद्देश्य अवश्य होता है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिके, तुम दोनों के प्रश्न तो अनंत है। प्रश्न अनंत है क्योंकि माता की लीला अनंत है, अद्भुत है माता का ये दिव्य जल सिंहासन। पुत्र गणेश, यहाँ आओ, मेरे निकट आओ पुत्र। जी माता। कृपा से संतान सदा कृतार्थ होती है। धन्य है श्री महाकाली, धन्य है माता। पुत्र, माँ। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम दोनों के लिए ये अत्यंत कठिन अनुभव रहा, किंतु अपने पुत्रों से दूर रहना तो मेरे लिए भी कष्टप्रद है। माता कितनी भी कठोर क्यों न प्रतीत हो, किंतु उनका हृदय संतान के प्रति कोमलता से ही भरा होता है। माँ, आप कैलाश कब लौटेंगी? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने की शक्ति प्रदान करती। ये क्या कह रही है माँ? तो क्या वो अभी कैलाश नहीं लौटेंगी? तुम्हारे सभी शेष प्रश्नों के उत्तर मेरे इस स्पर्श में निहित है पुत्र। पुत्र गणेश, तुम अपने नेत्र बंद करो। We'll be right back.
पुत्र गणेश, अब आगे की संपूर्ण कथा तुम स्वयं कहोगे पुत्र। आगे की कथा का समस्त ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया पुत्र। माता, अभी तो यही थी। माता, भैया, माँ क्यों चली गई और कहाँ चली गई? माँ के इस प्रकार लुप्त होने के पीछे क्या उद्देश्य है भैया? परम शक्ति अपनी लीला से हमें ज्ञान ही नहीं देती, अपितु आगे का मार्ग भी बताती है। इसे समझने की आवश्यकता है। पिताश्री, माताश्री महाकाली अंतर ध्यान हो गई हैं। आपको अवश्य ज्ञात होगा पिताश्री कि वो कहाँ गई हैं। भस्म में ये कंपन कैसी? भैया, यहाँ तो असंख्य असुर एकत्रित हो रहे हैं। अवश्य किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये। इस शनिवार शाम 7 बजे देखिए गणेश के विनायकी बनने के पीछे की कहानी।